श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी। आज चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है, यानी नौवें स्थान में रहेंगे। इस वजह से चंद्रमा का आप पर सकारात्मक परिणाम दिखेगा। इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, ऊर्जावान रहोगे, और आपको दिन भर प्रसन्नता की अनुभूति रहेगी। ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी टूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस दिन यात्राएं करना भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। अपने कारोबार से संबंधित या ऑफिस से संबंधित यात्रा भी कर सकते हैं, और कोई पर्सनल टूर भी आप अरेंज करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है। हो सकता है यात्रा के लिए या कहीं जाने का प्लान तो हो लेकिन आप समय ना निकाल पाए, ये संभावना भी बनी हुई है। अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए काफ़ी बिजी रहेगा, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, कोई एक्स्ट्रा काम भी करना आपको इस समय में पड़ सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए आसान होगी, ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा, बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करीब करीब सारी चीज़ें आप ही के हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। नया व्यापार इस समय में शुरू करने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए डटकर मेहनत करें। सब कुछ मेहनत से मिलता है, कामों से मिलता है। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है, आप प्रयास जरूर करें, आगे दिन अच्छे हैं। इस समय में आपके जीवन में सफलता पाने के काफ़ी अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, उन मौक़ों का लाभ आपको उठाना होगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए आपके सितारे इस समय में स्थिरता व शांति फैला रहे हैं। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। समय थोड़ा बिजी चल रहा है, फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है। पार्टनर के साथ कोई झगड़ा या मनमुटाव है तो वो इस समय में दूर हो सकता है। पॉजिटिव सोच रखकर जीवन में आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। आपके फैमिली में, घर परिवार में आनंद और उत्साह भरा माहौल रहेगा। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, खुलकर मौज मस्ती करने का समय है। इसे ऐसे ही ना गवाए, जीवन का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें। इस समय में आप जीवन में आगे बढ़े, भाग्य भी आपको पूरी तरह से साथ दे ही रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए दिन पूरी तरह से सकारात्मक है। मानसिक तौर पर आप फिट रहेंगे, फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, इसलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पुरानी परेशानियां कम होती नजर आएगी। कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लम्स जो काफी समय से सता रहे थे उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है। इस दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस दिन 3 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।